सिविल सप्लाईज ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन कब तक जारी रहेगा और उनकी क्या मांगे हैं, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आंदोलनकर्ता मौजूद है। मैम, आपका सबसे पहले परिचय। मैं रेणु मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष यूपी फूड एंड सिविल सप्लाई इंस्पेक्टर ऑफिसर्स एसोसिएशन। हमारी मांगे हैं कि हमें कंट्रोल ऑर्डर दिया जाए, CMR कंट्रोल ऑर्डर दिया जाए, सालों से हमारी लंबित मांगों को पूरा किया जाए और हमें संसाधन दिया जाए ताकि हम फील्ड में अपने काम को अच्छी प्रकार से कर सके। किस तरह के संसाधन की मांग कर रही हैं मैम? मैम, हमारे यहाँ दो विंग है, एक सप्लाई और एक मार्केटिंग। सप्लाई के पास AC रूम है और वो AC रूम में बैठ के काम करते हैं। हमारी बहनों के पास टॉयलेट नहीं है, तो जो जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए एक ऑफिसर्स के पास, कम से कम वो हमें दी जाए। आपकी मुख्य सचिव और CM से बात हुई, उनसे बात होने के बाद ही आप लोग आंदोलन करते? नहीं, हमारी CM साहब से बात तो नहीं हुई, पर हम अपना पत्राचार लगातार करते रहते हैं। प्रमुख सचिव महोदय से हमारी कई बार वार्ता हुई, पूर्व संघों की भी कई बार वार्ता हुई, वो हमेशा आश्वासन देती रहती, नहीं आपकी मांग जायज है, होनी चाहिए, तो हुई क्यों नहीं अभी तक? इन सब बातों से, इन आश्वासनों से उब के, परेशान हो के आज हम यहाँ पर आंदोलन रहते हैं और आपके माध्यम से हम अपने ऑफिसर्स को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक आप हमें कंट्रोल ऑर्डर नहीं दोगे, हमें संसाधन नहीं दोगे और हमें हम कर्तव्य के साथ अधिकार नहीं दोगे। आपको आश्वासन लगभग कब से दिया जा रहा है, कितना समय हो गया? जैसे जैसे सरकारें आती हैं चली जाती हैं, वैसे हमारे कई अध्यक्ष आए चले गए, बस हमें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आज 10 साल बाद जो है हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम मांगेंगे नहीं, हम छीन के लेंगे अपना अधिकार। सरकार जो बनी थी राशन के नाम पर, वो सरकार आज आप लोग के साथ ऐसा कर रही है, तो इससे सरकार पर, उनके काम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सरकार ने तो हम सबको इक्वल अधिकार दिए हैं, चाहे वो मार्केटिंग विंग हो चाहे सप्लाई विंग हो, पर हमारे साथ जो भेदभाव कर रहे हैं वो माननीय योगी महोदय जी नहीं कर रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे, हमारे अपने विभाग के लोग कर रहे हैं, हमारे अपने विभाग अध्यक्ष कर रहे हैं, हमारी अपनी प्रमुख सचिव कर रही हैं। जो भी भेदभाव हो रहा है वो कर रहे, वो शासनादेश लागू करती हैं तो आपूर्ति को सप्लाई इंस्पेक्टर लिखती हैं, बट हमें लिखना भूल जाती हैं, जबकि हम दोनों को इक्वल अधिकार है, इक्वल हैं हम, पोजीशन भी हमारी समान है, फिर भी वो हमको भूल जाती हैं और उनको बराबर लिख देती हैं और बाद में कहा जाता है ये भूलवश हो गया, तो उस व्यक्ति को दंडित क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों उनको बैठाया जा रहा है? सप्लाई विंग अपने पैसों के दम पे पूरे शासन में एकदम कैंसर की तरीके फैली हुई है। अब हमारी मांग है कि इनका कीमो किया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए, अन्यथा की स्थिति में हम ऐसे ही यहीं पर डटे रहेंगे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई और आप इसी तरह आंदोलन करते रहे, तो जो आम जनता है और जो सरकार है उनके काम पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ये आम जनता के हितों के लिए ही हो रहा है, क्योंकि जो उनके राशन के कटोरे से अनाज चुरा के बेचा जा रहा है, हम उनको ओपन करना चाहते हैं, हम उन पर्दाफाश करना चाहते हैं, हमें कंट्रोल ऑर्डर दिया जाए। ये लोग चाहते हैं कि हमको प्रेषण में, हमारी 1200-1300 की क्षमता को सिर्फ प्रेषण में ढकेल दिया जाए ताकि हम मैदान में उतर के ये ना देख पाएं कि कहाँ चोरी की जा रही है। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारी क्षमता को फील्ड में देखा जाए ताकि हम इस भ्रष्टाचार को रोक सके, पारदर्शी व्यवस्था ला सके और गरीबों का अनाज उन तक पूरा पहुँचा सके। आपके साथ आंदोलन में और उसके अलावा भी आपके साथ लगभग कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे साथ में जो है इंदिरा भवन, जवाहर भवन महासंघ और राजपत्रित संघ और अराजपत्रित संघ, सभी लोग जुड़े हुए हैं और कम से कम 2,500 की संख्या जो है हमारे साथ में है। मैम, क्या है मुख्य मांगे? हमारी चार मुख्य मांगे हैं। पहली है कि PDS कंट्रोल ऑर्डर हमें चाहिए, जिसमें हमको निकाल दिया गया है, हमको वापस शामिल किया जाए। दूसरी है CMR कंट्रोल ऑर्डर, उसमें वो चाहिए। तीसरी है कि हमारी विलंबित मांगे जो कई वर्षों से पड़ी हुई है, जिसको ये आश्वासन मौखिक रूप से भी मिल चुका है लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया गया, वो किया गया। और कुछ है कि हम, चौथी हमारी है कि हमारे विपणन शाखा में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत तगड़ी कमी है, उस कमी को पूरा किया जाए। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं और ज़्यादा दिनों तक नहीं पूरी होती हैं, तो आगे आप लोग का कदम क्या होगा? हम लोग यहाँ तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। ये अनिश्चितकालीन हम बैठेंगे जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती है, क्योंकि ये सरकार से संबंधित नहीं, ये हमारे विभागाध्यक्ष से संबंधित है, हमारे अधिकारी नहीं कर रहे हैं।
तो अधिकारी जो हैं वो इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती और उनकी बात को उनके द्वारा सुना नहीं जाता है। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।